पीरियड्स की डेट आगे बढ़ानी है, बस इतनी सी बात। ये है वो मैजिकल टैबलेट्स जिनका उपयोग करके आप अपने पीरियड्स को मनचाहे दिन पर ला सकते हैं। जैसे कि ये कंबाइंड टैबलेट्स जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, या फिर ये मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, या फिर ये सबसे बेस्ट नॉर्थेस्टेरोन। अब जैसे बात करें हम लोग नॉर्थेस्टेरोन की, तो इस टैबलेट को आप लोग संडे मंडे टैबलेट्स के नाम से भी जानते होंगे, जिसका उपयोग पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये टैबलेट आपको मार्केट में अलग अलग नाम से बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, जैसे कि प्राइमलूट एन, रेजिस्ट्रोन, नोबलूट एन, सिसरोन या गाइनासेट। अब इन टैबलेट्स में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देगी वो है प्राइमलूट एन या रेजिस्ट्रोन। इन टैबलेट्स का उपयोग करके आप अपने पीरियड्स की डेट को 17 दिन तक आगे बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ ये सवाल आता है कि क्या ये दवाई लेना सेफ है, कहीं इससे आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या सबसे बड़ी बात कि क्या ये टैबलेट्स काम करती भी हैं या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन टैबलेट्स का उपयोग भी करें और ये काम भी ना करें और आपको पीरियड्स आ जाएं। तो देखो, अगर आप इन टैबलेट्स को एकदम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये टैबलेट 100% वर्क करती हैं। और जिन भी महिलाओं ने या लड़कियों ने इस वीडियो में बताए गए मेथड से इन टैबलेट्स का उपयोग किया था, आप उनके कॉमेंट्स को पढ़ सकते हैं। ये देखिए उनके द्वारा किए गए कुछ कमेंट्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन टैबलेट्स को यूज़ करने का वो खास तरीका क्या है, बताता हूँ। लेकिन आपको कुछ बातें भी ध्यान रखनी है, वरना ये टैबलेट्स काम नहीं करेंगी और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इन टैबलेट्स को आपको तभी उपयोग करना है जब आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू ना हुई हो। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इन टैबलेट्स को एकदम फिक्स टाइम पर लेना है, आधा घंटा एक घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और तीसरी बात ये कि इन टैबलेट्स को आपको साल में एक या दो बार ही यूज़ करना है, बार बार इन टैबलेट्स को उपयोग नहीं करना है। अब बात आती है कि इन टैबलेट्स को उपयोग कैसे करना है। इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किन महिलाओं को और लड़कियों को इन टैबलेट्स को उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो देखो, वैसे तो ये जो टैबलेट है ये 5 mg, 10 mg, 15 mg में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको इसकी 5 mg वाली टैबलेट लेनी है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो ये सबसे कम डोज है और सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव डोज भी है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो इस टैबलेट को आपको जब पीरियड्स की डेट आने वाली हो, यानी कि जो आपकी पीरियड्स की एक्सपेक्टेड डेट है, उससे 3 दिन पहले आपको ये टैबलेट लेना स्टार्ट करना है। इस टैबलेट को आपको दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने के बाद, पानी के साथ। इस टैबलेट को आपको खाना खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, वरना आपको उल्टी निकली हो सकती है। तो एक टैबलेट आप सुबह लेंगे, एक टैबलेट दोपहर में और एक टैबलेट रात में, जैसे सुबह 8 बजे, दोपहर 3 बजे और रात को 10 बजे। फिर सवाल आता है कि इस टैबलेट का उपयोग करके पीरियड्स को कितने दिन तक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस टैबलेट का उपयोग करके आप अपने पीरियड्स की डेट को 17 दिन तक आगे बढ़ा सकते हो। अगला सवाल आता है कि इन टैबलेट्स को लेने के बाद क्या होगा। तो देखो, जब आप इन टैबलेट्स को लेना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं। बस आपको इन टैबलेट्स को लेते रहना है जब तक आपको आपकी पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा आपको इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना, मितली होना, सिर में दर्द होना, ब्रेस्ट में दर्द होना या वाइट डिस्चार्ज। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये जैसे ही आपको पीरियड्स आएंगे वैसे ही ये साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स से परेशान नहीं होना है। फिर यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर इन टैबलेट्स को लेने के बाद वापस पीरियड कब आएंगे। तो देखो, जब आप इन टैबलेट्स को उपयोग कर लेंगे, मतलब कि जब इन टैबलेट्स को आप लेना बंद करोगे, तो आपको जो पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के अंदर कभी भी आ सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करती हैं कि किन महिलाओं को और लड़कियों को इन टैबलेट्स को उपयोग नहीं करना है। तो पहला, जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं। दूसरा, जिनको हॉर्मोनल इश्यूज हैं, जैसे PCOD है, PCOS है, ओवरियन सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, या जिनको थायराइड की दिक्कत है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की दिक्कत है, तो उनको ये टैबलेट नहीं लेनी है। इसके अलावा जिनको
ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर है जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर थ्रोम्बोसिस जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा ये टैबलेट्स प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उनको आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक इन टैबलेट्स का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा जिन भी महिलाओं को माइग्रेन या प्रीवियसली हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ चुका है या आने का खतरा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जिन भी पेशेंट्स को लीवर डिजीज़ है जैसे कि फैटी लीवर है या जिनका लीवर का साइज़ बड़ा हुआ है या किसी भी अलग टाइप की लीवर की प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी ये टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस टैबलेट के बारे में पूछे जाने वाले वो सवाल जो कि अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल तो यही रहता है कि क्या इन टैबलेट्स को उपयोग करते समय फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजिकल रिलेशन रखें और पीरियड्स आ जाएंगे। तो देखो, अगर सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही आप इस टैबलेट को लेते समय फिजिकल रिलेशन भी रखें। तो क्लियर कट आंसर ये है कि फिजिकल रिलेशन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। दूसरा सवाल ये रहता है कि क्या ये जो टैबलेट्स हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं, प्रेगनेंसी से बचाती हैं? तो देखिए, ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है, ये आपको प्रेगनेंसी से नहीं बचाती हैं। हालांकि अगर आप वीडियो में बताए गए मेथड से तरीके से इन टैबलेट्स का उपयोग कर रहे हैं तो वो आपके सेफ डेज हैं, मतलब कि उन दिनों पर अगर आप लोग फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तीसरा सवाल, क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर इन टैबलेट्स का उपयोग कर सकती हैं? तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इन टैबलेट्स को उपयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन टैबलेट्स का उपयोग करने से ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो जाती है, तो ये टैबलेट आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा अगर आपको इन टैबलेट्स के बारे में और ज़्यादा जानना है कि इन टैबलेट्स का उपयोग पीरियड्स लाने के लिए कैसे उपयोग करती हैं या इस टैबलेट का उपयोग कौन कौन सी और बीमारियों को ठीक करने के लिए करती हैं, तो हमारी इस वीडियो को देखकर आप सभी बातों को समझ सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, देन आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।